नमस्कार, देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल का नंबर वन शो साजिश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मौर्या ठाकुर। साजिश में सबसे पहले बात उसे किस साल की माया रेगेव की, जिसने हमास जैसे संगठन को झुकने पर मजबूर कर दिया। 50 दिनों तक हमास की कैद में रही माया रेगेव अब आजाद है, और कैद से बाहर आने के बाद माया रेगेव ने हमास के बारे में ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुनकर नेतन्याहू भी हैरान है। इक्कीस साल की बंधक माया रेगेव का वीडियो माया ने हमास के बारे में क्या बताया, हमास ने माया के साथ कैसा सलूक किया, माया के साथ 7 अक्टूबर की उस सुबह क्या हुआ था, माया को हमास ने कैसे किया था अगवा, इक्कीस साल की मासा रेगेव से जुड़ी हर बारीक से बारीक डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि कैमरे पर माया ने हमास के बारे में जो कुछ बताया है उससे हमास के लड़ाकों के एक और पक्ष का पता चलता है। आपको आगे इजराइल बंधक संकट से जुड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन इनसे पहले माया रेगेव की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। माया रेगेव सही सलामत थी जब म्यूजिक फेस्टिवल में थी। लेकिन अब लौटी है तो बैसाखी के सहारे। बंधकों को वापस ला रही वैन में बैठने से पहले माया रेगेव का यह वीडियो देखिए, जो हमास की उन सारे कायदों की धज्जियां उड़ाता है जिसमें कहा गया है कि बंधक बिल्कुल सुरक्षित लौटेंगे। माया रेगेव 50 दिनों तक मौत की सुरंग में रही, 50 दिनों तक हर पल मौत सामने नाचती रही, 50 दिनों तक तड़पती रही फैमिली से मिलने के वास्ते, 50 दिनों तक बहते रहे माया रेगेव की आंखों से अनवरत आंसू। और फिर आए इजरायली गर्ल माया रेगेव के लाइफ में वो सुबह जब वो आजाद हो गई, अंधेरे बंद कमरे और हर सांस पर लगे पहरे से आजाद। अपने देश इजराइल में माया रेगेव के परिवार की लाखों दुआएं कबूल हुई, अपनी बेटी के लिए तड़पती मां के कलेजे की प्यास बुझी। माया रेगेव को हमास ने 50 दिनों बाद रिलीज कर दिया। माया और माया के 18 साल के भाई इताई को हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा किया था। उस वक्त फेस्टिवल के बीच खुद को बचाने की कोशिश में भाग रही माया ने अपने पिता इतान रेगेव को फोन भी किया था। उनके पिता ने बेटी की वो कॉल रिकॉर्ड कर ली थी, वो लगातार उससे अपनी लोकेशन भेजने को कह रहे थे, लेकिन इतने में फोन कट गया। इसके बाद माया के पिता लगातार गाजा की सीमा के पास मौजूद अस्पतालों में अपने दोनों बच्चों को खोजते रहे, उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कुछ देर बाद इलान को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला, इसमें एक ट्रक के पीछे हमास लड़ाकों ने उनके बेटे इताई को बांध रखा था। फोन कॉल के वक्त माया लगातार कह रही थी, वो लोग मुझे मार रहे हैं, उन्होंने मुझे गोली मारी है, हम मर जाएंगे, मैं कार में छिपी हुई हूं, वो हम पर गोली चला रहे हैं। היא צועקת לי בעמוק, בהיסטריה, אבא, תבוא, יורים עליי, אבא, יורים עליי, אני מתה. חמאס
हमास ने 7 अक्टूबर को इज़राइल के लोगों को जब बंधक बनाया तो ना उनकी उम्र देखी ना मर्द औरत देखा। जो भी पकड़ा गया उसे अपनी वैन में ठूस कर चलते बने, जिसे जी चाहा मारा पीटा और एक लड़की की बॉडी तो पूरे गाजा में निर्वस्त्र करके घुमाया। माया रेगेओ के पैर जख्मी हैं। माया के साथ जो 12 और बंधक इजरायली कैद से रिहा हुए हैं, इनमें से 3 बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है। हमास के कैद से आजाद हुई 5 साल की रज अपनी 3 साल की बहन अवीव और मां के साथ बंधक थी। इजराइल हमास के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक ये सीज़फ़ायर सिर्फ 4 दिनों के लिए ही रहेगा। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे के बीच बंधकों को छोड़ा जाएगा। हर दिन 13 बंधक रिहा किए जाएंगे। इजराइल ने एक बयान जारी कर बताया कि इसके बाद अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर सीज़फ़ायर 1 दिन और बढ़ जाएगा, मतलब 5 दिनों में कुल 60 बंधक छोड़ने का सौदा हुआ है। इसके बाद भी हमास की कैद में 180 बंधक बचे रहेंगे। कुल 240 लोगों को 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने नोआ म्यूजिक फेस्टिवल से उठा लिया था। इसमें कई देशों के नागरिक भी शामिल हैं। हमास अब जत्था बनाकर इन बंधकों की रिहाई कर रहा है और बदले में इजराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। सौदा बहुत सीधा सा दिख रहा है लेकिन असल में है नहीं। गाजा में गोली बारूद बंदी से शांति दिख रही है लेकिन यह तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि इजराइल ने 2 टूक कहा है कि हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक जंग जारी रहेगी। मतलब जैसे युद्ध विराम की मियाद खत्म होगी इजराइल गाजा पर फिर से टूट पड़ेगा। रिहाई के बाद भीषण युद्ध, पहला कारण यह इसलिए क्योंकि 12,000 फिलिस्तीनियों की मौत के बावजूद इजराइल का पूरे उत्तरी गाजा पर कब्जा अब तक बाकी है। दूसरा कारण, गाजा के दक्षिण में खान यूनिस शहर पर भी कब्जा बाकी है। तीसरा कारण, हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक युद्ध जारी रहेगा क्योंकि हमास किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि संघर्ष विराम के बाद भी इजराइल नहीं रुकेगा। इजराइल इस बीच खुद पर कंट्रोल कर किनारे खड़ा रहेगा कि कब इन बंधकों को भी छुड़ाया जाए और कब गाजा का ऑपरेशन खत्म किया जाए। यही वजह है कि इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF इस वक्त गाजा में मौजूद है। टैंकों की पहरेदारी गाजा से हटाई नहीं गई है क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि ना तो हमास को इजराइल पर पूरा भरोसा है कि सारे बंधकों को सुरक्षित रिहा करेगा, ना हमास को भरोसा है कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। यानी दोनों सीज फायर में तब तक बंधे हैं जब तक उनकी मांग पूरी होती रहेगी। इजराइल का ताजा बयान है कि सीज फायर के बाद गाजा से लेकर कतर तक हमास के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जाएगा। हमास इजराइल के इस ऐलान को सुन चुका है और हमास भी ये जता चुका है कि उसे भी जब मौका मिलेगा वो इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा घोर हमला करेगा। जाहिर है दुश्मनी के बीच सिर्फ सीज फायर आया है और वो भी बिना भरोसे वाला। रिहाई के बाद भीषण युद्ध, जानकारों का मानना है कि हमास युद्ध विराम के तहत खुद को संगठित कर रहा है। हमास के टॉप लीडर खुद के लिए बेहद महफूज जगह की तलाश कर रहे हैं। इजराइल की हमास के खात्मे के साथ लेबनन के हिजबुल्ला और यमन के हूथी विद्रोहियों को भी नस्तो नाबूद करने की प्लानिंग है। लिहाजा इजराइल कोशिश में है कि जितनी जल्दी हो सके बंधकों को छुड़ा लिया जाए। इजरायली विशेषज्ञों का अनुमान है कि जब बंधकों की अदला बदली का काम पूरा हो जाएगा तो गाजा शहर पर नियंत्रण की लड़ाई हफ्ते भर से 10 दिनों तक और चलेगी। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि हो सकता है कि सीज फायर के बाद इजराइल का ध्यान गाजा पट्टी के दक्षिण इलाके की तरफ होगा। इजराइल का मानना है कि याया सिनवार और मोहम्मद दईब जैसे हमास के सीनियर नेता हजारों लड़ाकों के साथ गाजा पट्टी के दक्षिण में कहीं हैं। शायद उनके साथ बड़ी संख्या में इजरायली बंधक भी मौजूद हों। गाजा पट्टी के लगभग 22 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा
दक्षिण की ओर चला गया है। दक्षिण के इलाके में लोग अटे पड़े हैं, उनमें बहुत से लोग डरे सहमे और बेघर हैं। ऐसा लगता है कि वहां एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी अपने होने का इंतजार कर रही है। अल मवासी के रेतीले मैदानों के बीच टेंटों में ठूंसे सैकड़ों फिलिस्तीनियों का मंजर दुनिया को इस मानवीय संकट की ओर निगाहें दौड़ाने के लिए मजबूर कर सकता है। सात अक्टूबर के हमले के बाद गाजा पट्टी से लगभग 17 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में पहले से भीड़ भाड़ वाले शिविरों में पनाह ले रखी है। युद्ध विराम की तारीख खत्म होते ही इन लोगों के सिर पर इसराइल की बंदूकें तान दी जाएंगी। इसराइली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेच को सुनिए। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो लोग जीवित रहेंगे। इसराइल के लिए ये सैन्य जरूरत बन गया है। जिस तरह गाजा शहर के नीचे हमास का नेटवर्क है, ठीक वैसे ही खान यूनुस और रफा में भी हमास के लड़ाके फैले हुए हैं और वहां उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इसराइल इस बार हमास से सदा सदा के लिए निपटारा चाहता है और हमास के खिलाफ इसराइल को नेस्तो नाबूद करने के अब तक के बीच आता रहा है बंधक संकट। बंधकों में कई विदेशी होने की वजह से और खुद इसराइल में विरोध प्रदर्शन होने से नेतन्याहू ने हमास से युद्ध विराम तो कर लिया, लेकिन युद्ध तो तभी खत्म होगा जब हमास को मिट्टी में मिला दिया जाए। इंतजार कीजिए सीज फायर को बीत जाने का और इसराइल के हमास के खिलाफ फिर से जोरदार हमले का, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। इजरायली सेना ने डंके की चोट पर कह दिया है कि जैसे ही सीजफायर खत्म होगा वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में 10 गुना तेजी से हमला करेगा। लेकिन इतनी बड़ी धमकी देने के बाद नेतन्याहू को फौरन एहसास हुआ है कि उसने बहुत भारी गलती कर दी है और इस गलती का फायदा ईरान उठा सकता है। इसराइल को मिटा देंगे हमास और ईरान। चार दिन का सीज फायर क्या इसराइल पर भारी पड़ रहा है? दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि चार दिन के सीज फायर में हमास को जबरदस्त हमले करने के लिए फिर से ऑक्सीजन मिल गई है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि रूस के वैगनर ग्रुप के कमांडर और लड़ाके भारी हथियारों के साथ हमास के कमांड सेंटर में पहुंच चुके हैं, जबकि चीन ने इस दौरान हमास की सुरंगों में ऐसे खुफिया नेटवर्क बना दिए हैं जो इजरायली टैंकों और पैदल सेना के लिए काल साबित होंगे। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने हमास को नई तरह की सैकड़ों मिसाइलें, लंबी दूरी के रॉकेट और भारी हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप गाजा पहुंचा दी है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने अरब और मुस्लिम देशों को साफ साफ कह दिया है कि हम सीज फायर की आड़ में इसराइल के खूनी गुनाहों को रत्ती भर माफ नहीं करेंगे और इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसे दर्जनों भीषण हमले होंगे। इस वक्त इसराइल के 1.5 लाख सैनिक और 800 टैंक गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में मौजूद हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि इसराइल ने सीज फायर पूरा होने से पहले ही हमास के ऊपर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं ताकि हमास 7 अक्टूबर जैसा हमला इसराइल पर ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्ला और हूथी मिलकर इसराइल पर हमले कर रहे हैं, जो साफ साफ संकेत हैं कि ना तो हमास हार रहा है और ना ही हिजबुल्ला और हूथी के लड़ाके इसराइल पर हमला करने से हिचक रहे हैं, क्योंकि ईरान इस वक्त गाजा युद्ध का बॉस बन चुका है। यही वजह है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो इसराइल के वजूद से जुड़ गया है। इसराइल की हार पर नेतन्याहू का कबूलनामा,
इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्ध को लेकर इजरायली मीडिया में बड़ा लेख लिखा है। नेतन्याहू ने गाजा युद्ध पर लिखा है कि ईरान की शैतानी धुरी बन चुका है हमास। नेतन्याहू ने दुनिया को चेतावनी दी कि अगर हमास ईरान युद्ध जीत गए तो अगला नंबर बाकी देशों का होगा। बेन्यामिन नेतन्याहू ने ये भी लिखा है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जिस तरह आतंक मचाया वो हमें दिखाता है कि अच्छा भविष्य तभी संभव है जब सभ्य दुनिया इन जंगलियों के खिलाफ लड़ेगी। नेतन्याहू ने अलर्ट करते हुए ये भी लिखा है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में रहेंगे और बुराई खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाजा में अब तक 15,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना और इजरायली सरकार दोनों ही इस वक्त भयंकर प्रेशर में हैं। एक तरफ हमास का पूरी तरह से खात्मा करने का दबाव इजरायल की 3 लाख की सेना पर है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल की नेतन्याहू सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो अपने हमले बंद करे, जंग को रोके। लेकिन इधर जंग को अंजाम तक पहुंचाने का जुनून इजरायल पर बहुत भारी पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायल को धमकी दे दी है कि ईरान गाजा में गिराए गए इजरायल के एक एक बम और लाशों का पूरा हिसाब इजरायल से लेगा और इजरायल को गाजा में खून खराबे की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है। ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने एक्स पर एक पोस्ट में इजरायल को गाजा युद्ध पर चेतावनी दी है। अली खामनेई ने लिखा है कि गाजा पट्टी में आईडीएफ के हमले पर तगड़ा जवाब जरूर मिलेगा। खामनेई ने लिखा है कि गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी उस करारी हार की भरपाई नहीं कर पाएगी जिस करारी हार का सामना इजरायल को 7 अक्टूबर को करना पड़ा था। ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने दावे के साथ लिखा है कि इजरायल अमेरिका के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं है और कुछ ही दिनों में इजरायल चुप होने को मजबूर हो जाएगा। इजरायल की हार पर नेतन्याहू का कबूलनामा। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इजरायल ने उत्तरी गाजा से 11 लाख लोगों को जबरन दक्षिणी गाजा की तरफ भागने को मजबूर कर दिया है, जबकि उत्तरी गाजा में मौजूद 35 में से 25 अस्पताल इजरायली हमले में तबाह हो चुके हैं। वहीं 44,000 के करीब उत्तरी गाजा की इमारतों को इजरायल ने मिसाइल और बम धमाकों से उड़ा दिया है, जबकि 2.25 लाख के करीब इमारतें अब रहने लायक नहीं बची हैं। लगभग 10,000 हमास लड़ाके अब तक इजरायली सेना मारने का दावा कर चुकी है, लेकिन जबरदस्त प्रेशर में 4 दिन का सीज फायर इजरायल की 1.5 महीने की मेहनत और जीत पर पानी फेर रही है। इसीलिए इजरायली सेना के टॉप कमांडरों ने कहना शुरू कर दिया है कि सीज फायर के दौरान इजरायली सेना भीषण हमले की जबरदस्त तैयारियां कर रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने साफ साफ कहा कि हम सीज फायर में हमास पर भीषण हमले की तैयारी में जुटे हैं। इजरायल को मिटा देंगे हमास और ईरान। במהלך ימי ההפוגה, צה"ל ישלים את ההיערכות ואת המוכנות לשלבי המלחמה הבאים. כוחות צה"ל מוכנים ודרוכים בכל הזירות. המדיניות שלנו ברורה. נפעל כנגד כל איום למדינת ישראל. अब सवाल उठता है कि अगर इजरायल सीज फायर के दौरान भी लगातार तेज हमले कर रहा है तो फिर हमास क्या कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक सीज फायर का फायदा हमास के लादेन के नाम से मशहूर याया सिनवार उठाना चाहता है। इजरायल के एक अखबार के दावे के मुताबिक इजरायल के रक्षा विभाग के अधिकारियों को लगता है कि गाजा में हमास का चीफ याया सिनवार दक्षिणी गाजा पट्टी में मानवीय संकट का फायदा उठाने की कोशिश में है। इस रणनीति के तहत खान यूनुस का लादेन कहा जाने वाला याया सिनवार इजरायली रक्षा बलों पर इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना चाहता है कि आगे अपने अभियान को तेज न कर सके। खान यूनुस ही सिनवार का मुख्य कमांड सेंटर है। माना जा रहा है कि दबाव में इजरायली सेना अपेक्षाकृत सीमित ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकती है जिससे हमास को कोई खास नुकसान नहीं होगा,
इजरायली अफसरों का मानना है कि सिनवार युद्ध विराम के बाद जमीनी अभियानों को फिर से शुरू करने में देरी कराने की योजना बनाने में जोर शोर से जुटा है। आप कुछ पॉइंट से समझ लीजिए। हमास का लादेन याया सिनवार उत्तरी गाजा के बजाय दक्षिणी गाजा को बचाने पर अब क्यों जोर दे रहा है? सीज फायर की वजह से खान यूनुस या राफा को निशाना बनाने की बजाय इजरायली सेना नोसेरा, अल बुरायज और दीर अल बलाह जैसे इलाकों पर ही सीमित हमले कर पा रही है। इजरायली सेना दक्षिणी गाजा के गैर मानवीय क्षेत्रों में सीमित अभियान चलाने को मजबूर हो रही है। इसका नुकसान आईडीएफ को यह हो रहा है कि हमास इजरायल के भीषण हमलों से बच रहा है और हमास का लादेन याया सिनवार एक बार फिर से दक्षिणी गाजा में हमास की सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा है। इजरायल को मिटा देंगे हमास और ईरान। انهاء الاحتلال وحمايه الاقصى وتحرير الاسرى نخوض معركه التصدي لعدوان جيش وقطعان مستوطنين على شعبنا ومدننا نخوض معركه كسر الحصار على شعبنا في قطاع غزه الذي امتد 17 عاما او يزيد نخوض معركه تحقيق الحلم والامل الفلسطيني। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाह इमारतों से बाहर निकलकर आरपीजी फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेटों से हमले कर रहे हैं, जबकि जमीन पर इजरायली सेना का एक भी पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना पूरी तरह से या टैंक के अंदर है या फिर किसी बख्तरबंद वाहन के अंदर हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है। हमास के इस खुफिया युद्ध में इजरायली सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं। 4 दिन के सीज फायर के बाद जब दोबारा से इजरायली सेना गाजा शहर और उत्तरी गाजा के बेहद अंदरूनी हिस्सों पर हमला करेगी, तो उस वक्त हमास और ज्यादा घातक हमले इजरायली सेना पर जरूर करेगा। लेकिन इजरायली सेना ये भी दावा कर रही है कि सीज फायर के बाद हमास का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा। אחרי כל מה שצריך לעקוב, אחרי בחירי חמאס בעזה ובכל מקום בעולם. יש למלחמה הזאת מטרות מאוד מאוד ברורות, וצהל נערך לשלבים הבאים במלחמה, על מנת לפרק את חמאס, לסדר את הגבולות, שיהיו גבולות בטוחים, להמשיך במאמץ העליון, להשבת חטופים, להגיע להרתעה אזורית. वहीं हमास का दावा है कि इजरायल सेना युद्ध विराम को तोड़ रही है और हमास पर हमले कर रही है। हमास के इस दावे में दम नजर आता है क्योंकि इजरायली सेना का दावा है कि पिछले 10 घंटे की भीषण जंग में हमास के दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ के मुख्य पैदल सेना इकाइयों में से एक है नाहल ब्रिगेड के सैनिकों ने उत्तरी गाजा के पश्चिम में जबालिया पर भीषण हमला किया। जबालिया में आउटपोस्ट 17 पर आईडीएफ ने हमास लड़ाकों को मारकर कब्जा कर दिया है। आईडीएफ फाइटर जेट ने सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू मगसीब को मार डाला। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल के लिए गाजा युद्ध कितना भारी पड़ रहा है। इसीलिए नेतन्याहू को लिखना पड़ा है कि अगर ईरान और हमास जीतते हैं तो फिर इसराइल का विनाश तय है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा की जमीन पर कदम रख दिया है। नेतन्याहू 20 वर्षों में इजराइल के पहले प्रधानमंत्री हैं जो गाजा गए हैं। नेतन्याहू ने यहां पर उत्तरी गाजा में पहुंचकर इजराइल के सैनिकों से मुलाकात की है। नेतन्याहू ने कहा है कि बंदकों के रिहा होने के बाद वो हमास को पूरी तरह से यहाँ पर खत्म कर देंगे और गाजा पर फिर कभी हमास दिखने वाला नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा की जमीन पर उन्होंने कदम रख दिया है। 20 वर्षों में ये पहली बार हुआ है कि इजराइल के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो गाजा गए हैं और नेतन्याहू ने यहां पर उत्तरी गाजा में पहुंचकर इजराइल के सैनिकों से मुलाकात भी की है। तो इजराइल की जेल से बाहर आने वाले वेस्ट बैंक के लोग हमास के फैन हो गए। उन्हें लगता है कि इजराइल से डील करने का हमास वाला तरीका ही बेहतर है। रिहाई के बाद भी वहां के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि इजरायल ने वेस्ट बैंक में हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं।
इसमें सवाल है कि बारूद के ढेर पर बैठा वेस्ट बैंक अगला गाजा बनेगा। फातिमा अमारी रिहा हुए फिलिस्तीन। असल अल तैयारी इजरायली जेल से रिहा। मरा बेकर रिहाई के बाद मां से मिलने की खुशी। फिलिस्तीनी महिला 7 साल बाद परिवार से मिलने का जश्न। ये तो सिर्फ कुछ नाम है, रिहा हुए फिलिस्तीनियों की फहरिस्त लंबी है। युद्ध विराम के बाद बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी है। हमास इजराइल के बंधकों को रिहा कर रहा है, तो बदले में इसराइल को भी फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करना पड़ा है। वेस्ट बैंक से बंधक बनाए गए फिलिस्तीनियों की जिस तरह से रिहाई हुई है, उससे वहां की पब्लिक हमास की फैन हो गई है। वेस्ट बैंक के लोगों को लगने लगा है कि इसराइल से डील करना है तो हमास की तरह लड़ना है। वेस्ट बैंक इस वक्त जश्न के बीच ऐसे बारूद के ढेर पर बैठ चुका है जिसका ट्रिगर कब दबेगा ये इसराइल भी नहीं जानता। सवाल है कि क्या वेस्ट बैंक के लोग भी हमास के रास्ते पर चल पड़ेंगे? क्या इजराइल पर टूटेगा वेस्ट बैंक का तूफान? गाजा के बाद वेस्ट बैंक युद्ध का दूसरा एपिसेंटर बनने जा रहा है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का वो हिस्सा है जो गाजा से करीब 20 गुना बड़ा है और यहाँ करीब 30 लाख लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनी है। यहीं से इजराइल को 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा सता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट बैंक के फतह मूवमेंट के नेता समीर अल मशरावी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक फतह मूवमेंट के नेता समीर अल मशरावी ने कहा है कि हमास ने जो किया वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए फख्र की बात है और इसराइल से लड़ने के लिए फिर से छापामार युद्ध की शुरुआत जरूरी है। गाजा में इसराइल के कदर के बाद वेस्ट बैंक के लोगों में गुस्सा बहुत है। यहाँ लगातार इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसराइल वेस्ट बैंक के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल के हमले में अब तक वेस्ट बैंक के 225 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं आधे से ज्यादा उत्तरी गाजा पर इसराइल का कब्जा हो चुका है। गाजा की ही तरह इसराइल की निगाहें वेस्ट बैंक पर भी पूरे कब्जे की हैं। लेकिन इसराइल की मुश्किल ये है कि वो गाजा की तरह वेस्ट बैंक पर हमला नहीं कर सकता। इसकी कई वजह है। वजह नंबर 1, हमास का वर्चस्व गाजा में है जबकि वेस्ट बैंक में फतह मूवमेंट की सरकार है। वजह नंबर 2, दुनिया वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन की सरकार को सपोर्ट करती रही है और वहां हमास की भी मौजूदगी नहीं है। वजह नंबर 3, वेस्ट बैंक का एक हिस्सा जॉर्डन से लगा है और जॉर्डन फिलिस्तीन को सपोर्ट करता रहा है। ऐसे में वेस्ट बैंक पर अटैक का मतलब है कि जॉर्डन भी उबाल खा सकता है और फिर पूरा पश्चिम एशिया जलने लगेगा। वजह नंबर 4, वेस्ट बैंक गाजा की तरह जेल जैसा नहीं है। वहां का कंट्रोल इसराइल के पास है लेकिन गाजा के मुकाबले वेस्ट बैंक के लोगों को ज्यादा आजादी है। वेस्ट बैंक के कई हिस्से में तो फिलिस्तीन के लोगों का दबदबा है। वजह नंबर 5, इसराइल को डर है कि वेस्ट बैंक में अगर छापामार युद्ध शुरू हो गया तो फिलिस्तीनी इसराइल पर भारी पड़ सकते हैं। इसराइल को डर है कि गाजा की तरह उसकी सेना ने वेस्ट बैंक में चढ़ाई की तो युद्ध यहां गाजा से 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि यहां अगर जेनिन ब्रिगेड जैसे फिलिस्तीनी दस्ते एक्टिव होते हैं तो इसराइल के खिलाफ बड़ी हिंसक मुहिम शुरू हो जाएगी। इससे निपटना इसराइल की सेना के लिए मुश्किल होगा। जेनिन ब्रिगेड जैसे कई दस्ते इस वक्त वेस्ट बैंक में हैं जिनके पास हथियार भी है।
ऐसे ही अलग अलग फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह के लड़ाकों के बहुत से गुट हैं। ऐसे हर गुट में सैकड़ों हथियारबंद लड़ाके हैं। स्थानीय इलाके में जब ये ऑपरेट करते हैं, सिर्फ जेनिन ब्रिगेड के बारे में बताएं, तो ये इजराइल के खिलाफ बागी गुट का वो हिस्सा है जो जेनिन शहर में एक्टिव है। ये जॉर्डन नदी के पश्चिम तट पर बसा है। इसको इजराइल ने 1967 में 6 दिनों तक चले युद्ध के बाद जॉर्डन से छीन लिया था। वेस्ट बैंक की सिक्योरिटी इजराइल देखता है। इजराइल की सेना यहाँ के लोगों को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों में इजराइल की सेना के खिलाफ बहुत गुस्सा है। इजराइल को डर है कि वेस्ट बैंक पर लगातार हमला किया तो जेनिन ब्रिगेड जैसे गुट जवाबी अटैक करेंगे। फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन उन्हें मिलेगा, जिससे इजराइल की सेना की मुसीबत बढ़ जाएगी। हालांकि इजराइल वेस्ट बैंक में लंबे वक्त से अपने लोगों को बसा रहा है ताकि वो फिलिस्तीनियों को कंट्रोल कर सके और उनके इलाके वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच बफर जोन के रूप में भी काम करें। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम में इजराइल के करीब 7 लाख सेटलर्स रहते हैं, मतलब इजराइल की 10% आबादी वेस्ट बैंक या कहें कि फिलिस्तीन में ही रह रही है। इजराइल ने इन्हें 1967 के युद्ध के बाद से ही बसाना शुरू कर दिया था। इस वक्त आप जो 3 मैप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें से पहला मैप वो है जिस पर फिलिस्तीन की हुकूमत चलती है। इस 18% हिस्से पर फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, उन्हीं का कंट्रोल है। जबकि ये दूसरा मैप देखिए, इस 22% हिस्से पर फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों का साझा कंट्रोल है। मतलब ये कि कहीं इजराइल के लोगों की ही हुकूमत है तो कहीं पर फिलिस्तीन के लोगों के पास अधिकार है और वो अपने तरीके से सारी चीजों को मैनेज करते हैं। जबकि तीसरा मैप जो वेस्ट बैंक का करीब 60% हिस्सा है, यहाँ पर इजराइल की सेना का दबदबा है, हर चीज उनके कंट्रोल में है। फिलिस्तीनियों के हर मूवमेंट यहाँ पर इजराइल के इजाजत से होती है। हर जगह चेक पॉइंट है और उन्हें कई इलाकों में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। यानी वेस्ट बैंक का 60% इलाका पहले ही इजराइल के कब्जे में है। ऐसे में ये बात तो जग जाहिर है कि इजराइल के निशाने पर वेस्ट बैंक युद्ध के बाद से नहीं बल्कि लंबे वक्त से है। यहाँ तो वक्त के साथ अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। यहाँ के बड़े शहर जैसे हेब्रॉन, रमल्ला, जेनिन और जेरिको हैं। इन शहरों पर कहने को फिलिस्तीन की सरकार की हुकूमत है, लेकिन असलियत यह है कि इजराइल इस पूरे इलाके को कंट्रोल करता है। एक तरह से देखा जाए तो वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम के करीब 26% हिस्से पर इजराइल अपना हक जताता है और वहां पर सेटलर्स को किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने की यानी घर बनाने की पूरी इजाजत है। इजराइल की सरकार इन्हें साल में करीब 40 करोड़ रुपए देती है, जिससे यहां रहने वाले लोग फिलिस्तीन के लोगों की हर खबर इजराइल की सरकार तक पहुंचाएं। अगर फिलिस्तीन के लोग किसी तरह का कोई निर्माण का काम कराते हैं तो वो इजराइल की सेना को रिपोर्ट करते हैं और फिर इजराइल के बुलडोजर उस जगह को ढहा देते हैं। फिलिस्तीन के लोगों को काबू में रखने के लिए ड्रोन, इजरायली सेना की गाड़ियां हमेशा इन पर निगाह रखती है। इजराइल के सेटलर्स को सरकार की तरफ से हथियार बांटे जाते हैं, जबकि वेस्ट बैंक के लोगों को हथियार रखने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि सेटलर्स और फिलिस्तीनी लोगों के बीच हिंसा बढ़ रही है। सेटलर्स को मजबूत करने के लिए इजराइल सरकार उनको दी जाने वाली रकम भी 80 करोड़ रुपए तक बढ़ा रही है। गाजा में 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद जैसे इजराइल की सेना ने गाजा में युद्ध शुरू किया, वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनियों पर इजरायली सेटलर्स का हमला बढ़ गया है। 7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीनियों पर 300 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। यही वजह है कि अब रिहा हुए वेस्ट बैंक के लोगों को लगता है कि इजराइल से टक्कर लेने का हमास का तरीका ही सबसे बेहतर है, क्योंकि इसी रास्ते पर चलकर ही इजराइल को घुटनों पर लाया जा सकता है, उसे झुकाया जा सकता है और अपने लोगों को आजाद करवाया जा सकता है। वेस्ट बैंक इस वक्त बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। सबसे बड़ा डर है कि अगर वेस्ट बैंक में युद्ध शुरू हो गया तो अंत कहां होगा। ये बात तो इजराइल भी नहीं जानता है। फिलहाल वेस्ट बैंक में युद्ध का खतरा इतना बढ़ गया है कि सबको लग रहा है कि ज्वालामुखी जल्दी फूटने वाला है।
इजराइल ने गाजा पट्टी के अंदर संघर्ष विराम कर दिया है। लेकिन बहुत ही रणनीतिक दृष्टि से इजराइल ने फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी कि वेस्ट बैंक पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तमाम विशेषज्ञ अब ये कहने को मजबूर हो रहे हैं कि वेस्ट बैंक अब दूसरा गाजा बन चुका है। जरा इजराइल के इस नक्शे को देखिए। जेरूसलम के पास जो हिस्सा नजर आ रहा है वो वेस्ट बैंक है। यहां पर फिलिस्तीन की सरकार है जिसके राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं, जबकि इजराइल के दक्षिण की तरफ गाजा पट्टी मौजूद है, ये भी फिलिस्तीन का ही हिस्सा है। साल 1948 में जब इजराइल और फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ, उस वक्त फिलिस्तीन को गाजा पट्टी का हिस्सा इसलिए दिया गया ताकि गाजा पट्टी के माध्यम से फिलिस्तीन का संपर्क समंदर से हो सके और वो विकास की ऊंचाइयों को छू सके। लेकिन गाजा पट्टी हमास के आतंकवादियों का एक किला बन गया और इसीलिए गाजा पट्टी पर इजराइल ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की है। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से यानी इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले के बाद से जिस तरह की परिस्थिति का निर्माण हुआ है उसके बाद अब इजराइल ने वेस्ट बैंक पर अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। फिलिस्तीन पर रिपोर्टिंग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अखबारों का दावा है कि 7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक वाले इलाके में 237 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की सेना हर दिन करीब 5 फिलिस्तीनियों को मार रही है। इसका मतलब है कि वेस्ट बैंक के अंदर हर 5 घंटे में एक फिलिस्तीनी को मारा जा रहा है। وكان ينادوا على البيت واهل البيت في السماعات انه اهل صهيب يطلعوا برا ما بيعرف انه فيش فيها حدا بلشين يرشوا عليها بالرشاشات ال500 من ورا ومفايتين ضاربين غرفه صهيب فوق بصواريخ انرجي ومن جوا مفجرينها وهي الدمار الموجود اور جس طرح کی ہنسک جھڑپیں ہو رہی ہیں 7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में 2,750 फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। यानी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में हर दिन करीब 60 लोग घायल हो रहे हैं। यानी वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर से अब तक हर घंटे 2 से 3 लोग इजराइल की सेना के पलटवार में घायल हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये बात साफ साफ नजर आती है कि शांति काल में जितनी हिंसा गाजा पट्टी के अंदर 7 अक्टूबर से पहले हो रही थी उतनी हिंसा अब वेस्ट बैंक के अंदर 7 अक्टूबर के बाद से लगातार हो रही है। और ना सिर्फ इजराइल के सैनिक वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों को अपना शिकार बना रहे हैं बल्कि इसके अलावा भी वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीन भी आपस में बंट रहा है। استنى حدا هم اي شيء في دارك يعني هذا البيت اللي بحد على يسارنا نسوان كان امنات في بيت الدار غرفه وتركه صغيره ضربوا البيت الناس اللي ماركه بالشارع اتصاوبت بدون اي عمل بدون اي شيء يعني ما بستنى انك لا تحمل سلاح ولا تحمل شيء وروم هذا احنا شو بنقول الله يحيي المقاومه وعاشت كتيبه الجنين والله ينصر المقاومه في جميع اطيافها
और वहां पर इसराइल समर्थक फिलिस्तीनियों को बेरहमी से बिना किसी सुनवाई के ही कत्ल किया जा रहा है। आखिर कैसे वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीन वर्सेस फिलिस्तीन नजर आ रहा है, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको आगे देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह से वेस्ट बैंक के अंदर बीते 24 घंटे में एक ऐसा खूनी गदर मचा जिसमें 6 फिलिस्तीनियों को इजरायल ने मार डाला। फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में सबसे बड़ा खूनी संग्राम जेनिन के अंदर देखने को मिल रहा है। ताजा घटनाक्रम भी जेनिन का है, जहां पर इजरायल की सेना घुसकर एक्शन ले रही थी। यहां इजरायल की सेना को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बार फिर से बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। सिद्धू मूसेवाला के बाद पंजाब के एक और मशहूर सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल पर हमले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। गिप्पी ग्रेवाल ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर नेटवर्क 18 से खास बातचीत की है और बताया है कि उन पर हुए अटैक का सच क्या है। गिप्पी ग्रेवाल ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बहुत सी बातें सामने रखी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। गिप्पी ग्रेवाल ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या कुछ बताया है और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बारे में क्या बताया है, आपको गिप्पी ग्रेवाल से बातचीत जरूर देखनी चाहिए। कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर हमला हुआ और इस हमले में भी लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सामने आया है। गिप्पी ग्रेवाल से बातचीत को बहुत गौर से आप देखिएगा, आपको इस हमले के बारे में वो बातें पता चलेंगी जो अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन का रुख तय करेंगी। सुनिए। ये कनाडा में कहां पे आपके घर पे फायरिंग हुई है और कब हुई है ये फायरिंग? ये रात को हुई जी, ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे। तो घर मेरा वेस्ट वैंकूवर में है, वहां पे हुई है। तो हमें खुद समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है, मतलब पता ही नहीं था कि ये कैसे, मतलब ये कैसे हो गया। और आपकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है ये कोई? जी हुई है, उसके ऊपर भी हुई है, गाड़ी के ऊपर भी हुई है, गैराज के ऊपर भी। गिप्पी जी, ये सलमान खान का नाम से एक पोस्ट आई है जिसमें सलमान खान के नाम का जिक्र है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, उसमें दाऊद का नाम है, ये आपका क्या एंगल आ रहा है? एक्चुअली जब ये वारदात हुई तो पहले तो मैं ये शॉक था, क्योंकि आज तक जिंदगी में कंट्रोवर्सी में नहीं डला, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन हो सकता है, मैंने ऐसा किया। तो जब पता ही तो वो तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि सलमान खान का जब नाम आया तो मेरी कौन सी सलमान खान के साथ दोस्ती है। तो एज अ मतलब फिल्मों में काम करता हूँ, मैं वहाँ पे गया, प्रोड्यूसर जिसकी फिल्म थी उन्होंने सलमान को ट्रेलर लॉन्च में बुला लिया, मैं तो खुद उसको वहां पे मिला हूँ। उससे पहले मैं बिग बॉस में गया था तो तब मिला था, मेरा कुछ लेन देन ही नहीं है ना कुछ दोस्त है, या तो वो ना बहुत दोस्त है मेरी फ्रेंडशिप है, जहाँ उसका गुस्सा निकाला जा रहा है। तो मेरे लिए तो मतलब अभी भी शॉकिंग है, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा इस पूरे चैप्टर को कि मेरे साथ क्या हुआ है। गिप्पी जी, क्या लॉरेंस बिश्नोई ने कभी आपको धमकी दी थी इसके पहले? और आप पंजाब जाते हैं तो आपको सुरक्षा मिलती है, आप मोहाली के रहने वाले हैं। नहीं, एक्चुअली लॉरेंस बिश्नोई ने मुझे कभी कॉल नहीं आया, अभी भी नहीं आया कोई मुझे कॉल, मतलब पहले भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। जब ये चीज हुई तो मेरे को तो यही था कि ये हुआ क्या, मतलब अभी भी मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा पूरी चीज। तो अभी आप समझ सकते हैं मेरी। तो आपको किस पे शक हो रहा है? आपकी लॉरेंस से कोई दुश्मनी नहीं, कोई फिरौती या आपसे पैसे मांगे गए हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, बट अभी जो उन्होंने पोस्ट पाई है वो मुझे समझ नहीं आई, मतलब कि मैं या तो होता कि मतलब पता होता है कि यार ये बंदा उसका दोस्त है या कुछ ऐसे, या उनको सकता है कि उनको ये बुराई बहुत लगा कि ये चीज है, वो मुझे समझ नहीं लगी। बट मेरी कोई दोस्ती नहीं है उन सलमान के साथ, कुछ ऐसा नहीं है। वहां पे गए तो वो ट्रेलर लॉन्च किया, वहां पे और भी आर्टिस्ट थे वो भी गए थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बिग बॉस की बात कर रहे हैं आप? बिग बॉस की नहीं जी, ट्रेलर लॉन्च की बात कर रहे हैं, जब हमारी फिल्म आई थी मौजे मौजा, उसका ट्रेलर लॉन्च, उसमें सलमान खान आए थे जी, उस पे आए। तो आपकी सलमान खान से कोई दोस्ती नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और मैं उनको एज ए फिल्म स्टार जानता हूँ जैसे बाकी लोग जानते हैं। और गिप्पी जी, आप घर में मौजूद थे जब ये फायरिंग हुई है? नहीं जी,
मैं मौजूद नहीं था, मैं बाहर था। ये कनाडा में कहाँ है आपका घर जहाँ पर ये फायरिंग हुई? बताया जी, पहले वेस्ट वैंकूवर। और आपने पुलिस को सूचना दी है कनाडा में? शुक्रिया न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो 25 तारीख को ये पूरा हमला होता है, लेकिन हमले के बाद क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में अब तक हो चुकी है? हमारे सहयोगी हमारे साथ आनंद जुड़ रहे हैं। आनंद, 25 नवंबर को ये हमला होता है, हमले की जिम्मेदारी यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेती है, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर? जी देखिए मोनिका, कनाडा में पूरा मामला दर्ज है, कनाडा पुलिस वहां पे पहुंची थी और खुद गिप्पी गिरेवाल ने न्यूज 18 से बात में इस बात का दावा किया कि कनाडा पुलिस वहां पे पहुंची थी और उनके घर पे फायरिंग हुई है, उनके गराज पर, उनकी लग्जरी गाड़ी पे। देखना होगा कि इस पे किस तरह की कनाडा पुलिस कार्रवाई करती है, क्या शूटर्स को गिरफ्तार करती है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई इस समय साबरमती जेल में बंद है और गृह मंत्रालय का एक आदेश है कि 1 साल तक उसकी कोई पुलिस कस्टडी फिजिकल तौर पर नहीं ले सकता है। तो इसमें अब देखना होगा कि किस तरह से कनाडा की सरकार है, कनाडा पुलिस किस तरह का रुख अख्तियार करती है। लेकिन इतना साफ है कि गिप्पी ग्रेवाल ने यह बात जरूर मानी है कि सलमान खान के साथ दो मौके पर वो मिले हैं, एक बिग बॉस में और एक फिल्म के लॉन्च पर, और शायद यही वजह है जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। शुक्रिया आनंद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन गिप्पी ग्रेवाल भले इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। रिपोर्ट है कि लॉरेंस बिश्नोई ने गिप्पी ग्रेवाल को धमकी देते हुए कहा कि वो चाहे तो सलमान खान भाई को कह दें कि अगर वो उन्हें बचा सकते हैं तो बचा ले। लॉरेंस बिश्नोई वही गैंगस्टर है जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने कहा है कि 25 नवंबर को कनाडा के वैंकूवर के व्हाइट रॉक इलाके में यहाँ पर हमला हुआ है। ये हमला पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर हुआ, वो उसी ने करवाया है। फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई नाम के एक अकाउंट से इस हमले की जिम्मेदारी भी ली गई है। और इससे पहले आपको बता दें कि मई 2022 में ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जा चुकी है। इसमें गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी, साथ में लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया था।